आज मैं यहाँ से बोलता हूँ तो मैं किसी विशेष वर्ग के लिए बोलता हूँ, किसी धर्म के लिए बोलता हूँ, मैं भारतीयों के लिए बोलता हूँ। मैं किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलता, मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है, किसी की औकात नहीं है। लेकिन मैं हिंदुओं के खिलाफ बोलता हूं, मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूं, उनको बुरा लगता है कभी कभी। हाँ क्या मुसलमानों से मैं हमेशा कहता हूं, एक अंबेडकर जैसा नेता चुन लो, जिंदगी बदल जाएगी, जो तुम्हारे हित के बारे में सोचे। 2000 करोड़ रुपया दे रहा था उस्मान अली, और अंबेडकर ले लेते तो खरीद लेते पार्लियामेंट पूरी, प्रधानमंत्री बन जाते भारत के। लेकिन जो अंबेडकर की पूजा करते हैं वो भी अंबेडकर के बारे में कुछ नहीं जानते, 90% बस वो गाए जा रहे हैं जय भीम जय भीम। अरे कुछ पढ़ लो भैया अंबेडकर के बारे में, उनकी समाज की अवधारणा, उनकी राजनीति की अवधारणा कुछ पढ़ तो लो। अरे मैंने खबर पड़ी इटावा में दो बंधु पकड़े गए कि हम ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, काय करोगे भैया। हालांकि ये सब इलेक्शन प्रोपेगेंडा, अब इलेक्शन आ रहा है, ये सब होगा। अब तुम्हें बचना है, अगर तुम्हें भारत में जातिवाद संप्रदायवाद इसको नियंत्रित करना है तो बस एक छोटा सा काम कर दो, बहुत छोटा सा। अगर तुम्हें भारत में जातिवाद संप्रदायवाद को नियंत्रित करना है, यूपी और बिहार में नियंत्रित करना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट कर दो बस। ₹1950 से लेकर आज तक बिहार देखो, कोई लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, कोई भी किसी नेता विशेष पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। आज जो भारत की दुर्दशा चल रही है वो आज के सरकार की वजह से, 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे, जब उन्होंने मनरेगा से काम चलाया, जब उन्होंने इकोनॉमी की बेसिक रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम अंकल जी से क्या आशा करें।